वेल तो कैसे हो यात्रम के चाहने वालों, फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज है दिवाली, मतलब ये दिवाली व्लॉग है। बट गाइस, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिवाली के दिन बारिश हो रही है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आज बारिश हो रही है। देख सकते हो मौसम, काले बादल छाए हुए हैं गाइस। बारिश देखो, ये देखो बारिश कब से गिर रही है यार, कंटिन्यूअसली बारिश गिर रही है। करे तो करें क्या गाइस, बारिश हो या फिर कुछ भी हो, त्योहार है भाई, मनाना तो पड़ता ही। और इसीलिए गाइस हमने बस छोटा सा ही एक इंतजाम किया है। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखो गाइस, केले के दो पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं घर में, देख सकते हो। और ये गाइस दिए रखने के लिए एक बांस का, एक क्या बताए इसको, एक जुगाड़ू स्टैंड तो नहीं, मतलब एक फ्लैट सा एक ऐसा लगाया गया है। और बस थोड़ा बहुत ही लाइटिंग लगाया क्योंकि बारिश की वजह से ना गाइस कुछ कर नहीं पाया, कंटिन्यूअसली बारिश आ रही है। और बस नॉर्मल से लाइट दो यहाँ पर जुगाड़ करके लगाया गया। और गाइस ये लाइट्स जो देख रहे हो ना गाइस, ये सारे लाइट्स मेरे पापा ने यहाँ पर तैयार करके रखे हैं, मतलब जुगाड़ू तरीके से। अपने इंडियन यार पता है ना, जुगाड़ तो उनके खून में ही होता है, तो ये जुगाड़ू तरीके से सारा चीज़ पापा ने किया, तो पापा थैंक यू। अब गाइस बारिश हो या फिर कुछ भी हो, त्यौहार तो मनाना पड़ता है। अब देखते हैं गाइस कैसा क्या होता है। वैसे मैं एक दुकान भी चलाता हूँ, मतलब हमारा एक किराना शॉप है। अब मैं जा रहा हूँ अपने शॉप में। मैं सुबह से शॉप में बिजी था, सारा काम पापा ने निपटा दिया, घर के अंदर पोछा लगाना वगैरह साफ वाफ सारा चीज अपने पापा ने कर लिया। और अब मुझे जाना होगा शॉप पर, क्योंकि गाइस मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए पीछे आया था, मतलब वॉशरूम करने के लिए आया था। गाइस अभी निकलते हैं अपने दुकान के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा काली पूजा। हमारे आसपास में काफी जगहों पर काली पूजा हो रहा है, तो सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मौसम ठीक रहा तो, बारिश दिया तो गाइस दिवाली खत्म। बोलते गाइज ये है हमारे घर का फ्रंट का लुक। ये जो केले के पत्ते देख रहे हो ना गाइज, इसके नीचे जितने भी दिए हैं, मतलब यहाँ पर एक दिया है और उस तरफ दूसरा एक दिया है, मतलब दो ही दिए बच पाए, क्योंकि बीच के सारे दिए ना बारिश के कांटेक्ट में आ गए और भीग चुके हैं। और कुछ ऐसा दिखता है, मतलब हमारे घर का जो फ्रंट का लुक है गाइज, देख सकते हो। पापा ने बस जैसे जैसे नॉर्मली यहाँ पर लगाया था, ये देख सकते हो, ग्रीन वाला एक नॉर्मल सा राइट है, और इधर मतलब ये जो है ना, मतलब नॉर्मल सा जो बल्ब वाला जो जलता है ना गाइज, गोल्डन कलर वाला, बस वही है गाइज। और जो दिए हैं पापा ने जुगाड़ करके, एक को यहाँ पर रख दिया और दो तीन को यहाँ पर रख दिया। अभी भी बारिश कंटिन्यूअसली गिर रही है गाइज। और ये तो भाई जैसे कि गणेश जी के लिए कलश प्रवेश द्वार में। गाइज फिलहाल का अपडेट तो इतना ही है, शॉप को बंद करने के बाद देखते हैं अगर हम मार्केट जा पाते हैं। अगर बारिश रुकता है तो गाइज अपडेट दूंगा कि मार्केट में कैसा क्या चल रहा है, जहां जहां काली पूजा मनाया जा रहा है वहां पे कितने क्या लोग हैं और किस तरीके से मंडप को सजाया गया है, सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। गाइज यहां पर बारिश तो गिर ही रही है, बट ये जो हमारा नेपाली कल्चर जो होता है ना गाइज, जैसे कि हमारे यहाँ पर देवसी और भैली खेलते हैं, पहला दिन जिस दिन मतलब दिवाली का जो पहला दिन होता है ना गाइज, उस दिन भैली खेलते हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये लोग मतलब ट्रेडिशनल जो डांस रहता है भैली, देवसी भैली, आज वही नाचने वाले हैं और गाने वाले भी। तो देखते हैं गाइज कैसे क्या नाचते हैं और कैसा क्या नियम रहता है, किस तरीके से नाचते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो गाइज कुछ ऐसा सीन है सिलापथार टाउन का, ये हमारा होम टाउन है गाइज। और बारिश की वजह से ना काफ़ी शॉप, काफ़ी दुकान ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अभी 8:30 बजा है रात के, और देख सकते हो सन्नाटा छा चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से ना गाइज इस बार की दिवाली पूरी ठंड पड़ चुकी है। अदो गाइज मैं पहुंच चुका अपने दोस्त कुशल के घर, और उसके घर में बहुत ही शानदार चीज मैंने एक देखा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है दिवाली का दूसरा दिन और आज तो सुबह से बारिश दे रही है। कल तो एटलीस्ट सुबह से बारिश नहीं था, आज गाइज सुबह से बारिश दे रही है। और मौसम देख सकते हो गाइज, चारों तरफ काले बादल छाए हैं, कल से भी खतरनाक वाली मौसम हो चुकी है, पता नहीं गाइस क्या होने वाला। गाइस अभी तक के लिए तो अपडेट यही है, अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। अगर अच्छा दिन रहेगा, मौसम सही रहेगा, कल की तरह अगर बारिश नहीं रहेगी ना गाइस, तो मैं जरूर जाकर के दिखाऊंगा, वरना गाइस व्लॉग मुझे लगता है ऐसे ही एंड करना पड़ेगा। वेल गाइस अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी भी बारिश बाहर खतरनाक दे रही है। देखो ये देखो, धमाकेदार बारिश अभी भी गिर रही है यार, पता नहीं आज क्या होने वाला है। और ये नाचने वाली, वो जो भैली देवसी डांस करती है ना, कल रात आपने जो देखा था ना गाइस, वही बच्चियां हैं। ये भी देखो पानी में कैसे बिगड़े। वैसे आज सूर्य ग्रहण का भी दिन है, क्योंकि 4:30 से लेकर के 6:30 के बीच में सूर्य ग्रहण होगा, और पता नहीं किस बात पे भगवान नाराज है। बारिश कल नहीं परसों से ताबड़तोड़ बारिश गिरी रही गाइस,
दिवाली बर्बाद, सत्यानाश कर दिया दिवाली का। और पता नहीं आज क्या होगा, अगर आज भी ऐसा ही रहा था ना तो लोग होंगे डांस कंपटीशन में, ना तो काली पूजा अच्छे से दिखा पाऊंगा और ना ही ये दिवाली का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। फिर भी गाइज ले जा करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूजा कैसा क्या चल रहा है और डांस कंपटीशन में भी कैसा क्या हो रहा है। तो देखते हैं, शाम तक वेट करो गाइज कैसा क्या होता है दिखाता हूं। गाइज ये जो आप कोहरा देख रहे हो ये कोई नेचुरली बना कोहरा नहीं है, ये सारे दिवाली के फायर क्रैकर्स का कमाल। और बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 10% ही क्रैकर्स जल पाए, वरना यहाँ जो कोहरा दिखता ना गाइज विजिबिलिटी सिर्फ 4 से 5 मीटर का ही होता। और फिर गाइज हम पहुंच गए आदर्श यूथ बॉयज क्लब और यहाँ चल रहा था लोकल डांस कंपटीशन। बस हम जैसे ही वहां पहुंचे और 2-4 डांस हमने देखा ही था, फिर से बारिश गिरना चालू। और जैसे ही बारिश गिरी ना सारे लोग वहां से भाग गए और शो का सत्यानाश हो गया। और हम जब घर के तरफ जा ही रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना नवज्योति बॉयज क्लब भी होकर जाए। और ये लो जी, ये है नवज्योति बॉयज क्लब का सीन बारिश में। और सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग मंडप मतलब काली पूजा मंडप मुझे यही लगा। और गाइस इस मंडप को सजाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया उनमें से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मिट्टी, दूसरा है बैम्बो और तीसरा है पहाड़ी घास, जिसको हम लोकल लैंग्वेज पर खौर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस ये मंडप पूरा का पूरा नेचुरली बनाया है, मतलब इको फ्रेंडली मंडप आप बोल सकते हो। तो गाइस इस बारिश भरी दिवाली में था बस इतना ही, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, अपने चारों ओर साफ सफाई रखो और हाँ अपना ख्याल रखो। और गाइस प्लीज यार कमेंट पर प्रे फॉर जट प्रभजोत पाजी बोल के लिख देना, प्लीज यार जट प्रभजोत पाजी को सपोर्ट करो, उनके लिए दुआएं मांगो प्लीज। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।